आज मैं बच्चों आपको एक शरारती लड़के राजू की कहानी सुनाती हूँ। राजू के गांव का नाम था ढोलकपुर। ढोलकपुर में बहुत सारे बच्चे थे, वो सब राजू के दोस्त थे। वह सारे बच्चे खेलते रहते, लेकिन राजू के पापा उनकी भेड़ों को चराने के लिए भेज देते थे। उसके पापा उससे कहते, अपनी सारी भेड़ों को लेकर घास के मैदान में चले जाना और उनको हरी हरी घास खाने के लिए मैदान में छोड़ दे देना। और राजू, तुम सभी भेड़ों पर नजर रखना, समझे राजू? नहीं तो किसी दिन कोई भेड़िया हमारी भेड़ों को मारकर खा जाएगा। तुम अपना भी ध्यान रखना। बेचारे राजू को अपने साथी बच्चों के साथ खेलने के बजाय भेड़ों को चराने के लिए घास के मैदान में ले जाना पड़ता था। भेड़ों को चरने के लिए मैदान में छोड़कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था और सोचता कि खाली समय में क्या करे। अकेला वह बहुत बोर हो जाता था, न कोई खेलने के लिए न कोई बोलने के लिए। एक दिन उसे एक शैतानी सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे चाचा, अरे काका, अरे ओ रघु, अरे ओ बाबा, सब लोग जल्दी आओ, जल्दी। भेड़िया आ गया, भेड़िया आया है। जैसे ही सबने राजू की आवाज सुनी, उन्हें लगा कि कहीं भेदिया राजू और उसकी भेदों को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए जल्दी से उस तक पहुंचना चाहिए। सभी लोग उसके पास पहुंचने के बाद उससे बोले, राजू बता बेटा, कहाँ है भेड़िया? राजू जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, यहाँ तो कोई भेड़िया है ही नहीं। ये सुनकर सभी लोग बोले कि हम सब लोगों को जोर जोर से आवाज लगाकर क्यों बुलाया? हम सब लोग अपना काम छोड़कर तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ पहुंच गए। इस पर राजू हंसते हुए बोला, अरे मैं यहाँ पर अकेला बैठे बैठे बोर हो गया था, तो मेरे मन में एक शरारत करने की सूझी। भेड़िया उएड़िया यहाँ नहीं आया। बेचारे सभी लोग राजू पर गुस्सा होकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजू को फिर यही शरारत करने की सूझी। बचाओ, बचाओ, गांव वालों, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। इस बार उसकी आवाज को गांव की महिलाओं ने सुना। उन्हें लगा राजू संकट में है और वो सभी महिलाएं अपना काम छोड़ उसकी सहायता के लिए घास के मैदान की ओर भागी। वहां पहुंचने पर सभी महिलाओं ने राजू से पूछा, कहाँ है भेड़िया, कहाँ है भेड़िया? राजू उन पर जोर जोर से हंसने लगा, अरे चाची, यहाँ तो कोई भेड़िया आया ही नहीं है। सभी महिलाएं गुस्से में बोली, ये कैसी शरारत है? एक दिन राजू, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा और कोई तेरा यकीन नहीं करेगा। फिर एक दिन सच में एक भेड़िया राजू की भेड़ों के पास आ गया और एक एक करके राजू की भेड़ों को मारकर खाने लगा। जैसे ही राजू ने भेड़िया देखा तो वो डर गया और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। भेड़िया भेड़ों को मार रहा है, कोई तो बचाओ। लेकिन इस बार उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि पिछली बार उसने अपनी शरारत से सभी को परेशान कर दिया था। फिर राजू ने अपने हाथ में पकड़े डंडे से भेड़िये को मार भगाने की कोशिश की। जैसे ही राजू ने अपना डंडा उठाया भेड़िये को मारने के लिए, उस भेड़िये ने राजू पर ही हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। राजू जख्मी हालत में रोते हुए गांव में पहुंचा और सबसे बोला, सच में भेड़िया आया है, वो भेड़ों को मार रहा है। तो सारे गांव वालों ने मिलकर उस भेड़िये को मार दिया और फिर सभी गांव वाले राजू से बोले, देखा राजू, तुम्हारी शरारत का नतीजा तुम्हारी भेड़ भी मर गई और तुम भी जख्मी हो गए। इसलिए आज के बाद कभी भी ऐसी शरारत मत करना। और बड़े लोगों का मजाक भी मत उड़ाना। बच्चों, राजू को जो सीख मिली, तुम सब भी उसको याद रखना।